अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कनीज ज़रा है। मैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी हूँ, जिसको आम जमान में गुर्दे का डॉक्टर कहते हैं। ये हमारा डायलिसिस यूनिट है। यहाँ पर हमारे रेगुलर डायलिसिस के पेशेंट्स आते हैं, जिन लोगों के गुर्दे मुस्तकिल तौर पर ख़राब हो जाते हैं। उनको सारी ज़िंदगी डायलिसिस पर रहना होता है, लिहाजा वो हफ्ते में दो या तीन दफ़ा डायलिसिस कराते हैं। अक्सर मरीज़ों को तीन दफ़ा डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनके गुर्दे मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुके होते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनको किसी बीमारी की वजह से, अचानक बीमारी की वजह से, यानी जैसे अगर ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया या ICU में एडमिट हो गए, या इन्फेक्शन की वजह से जब उनको उनके गुर्दे फेल होते हैं, उन लोगों को भी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे मरीज़ों के गुर्दे अक्सर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो मरीज़ शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, जिनके गुर्दे मुस्तकिल तौर पे ख़राब होते हैं, उनको हफ्ते में तीन दफ़ा डायलिसिस की ज़रूरत रहती है। आमतौर पे डायलिसिस का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होता लोगों में। वो समझते हैं कि डायलिसिस अगर हो रहा है पेशेंट का, तो वो बस अब उसका कुछ नहीं है या, लेकिन डायलिसिस एक अच्छी मोडालिटी है और ये पेशेंट की ज़िंदगी को बढ़ाने में हेल्प करती है। अगर सही टाइम पर डायलिसिस शुरू हो जाए और मरीज़ मुस्तकिल तौर पर रेगुलर डायलिसिस के लिए आता रहे, तो वो ऑलमोस्ट नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है, बेहतर तौर पे अपनी ज़िंदगी में सारे काम कर सकता है, यानी काम पे भी जा सकते हैं, खाना पीना और सब चीज़ें कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर समीना हूँ, नेफ्रोलॉजी SI यहाँ ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में। ये हमारा डायलिसिस यूनिट है और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी, ये डायलिसिस मशीन है। इसके थ्रू जो है वो हम पेशेंट्स को कनेक्ट करते हैं और डायलिसिस यानी खून की सफाई की जाती है। सबसे पहले पेशेंट को जो है वो आप पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, पेशेंट का वज़न चेक करते हैं, और उसके बाद उनके जो फिस्टूला की साइट होती है या जो भी उनका जिस कैथेटर से अगर उनकी डायलिसिस होती है, तो हमारे स्टाफ शबीर स्टाफ हैं और ये हमारी मदीहा स्टाफ हैं, ये ग्लव्स पहनती हैं और एरिया को क्लीन करके फिर उसके बाद पेशेंट को अटैच किया जाता है। ये मरहला जो है वो 4 घंटे का होता है और बेसिकली 4 घंटे का प्रोसीजर करने के बाद फिर उसके बाद पेशेंट इजीली अपने घर पे जा सकते हैं। ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर होता है, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। फिर जब पेशेंट की डायलिसिस ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद इन मशीनों को क्लीन किया जाता है दूसरे मरीज़ को लगाने से पहले।